एंड है। क्या काम होगा? नहीं हो पाएगा क्या? क्या मैं वहां पे 1 लाख तक पहुंच पाऊंगा क्या? क्या यहाँ पे सच्ची में आके मेरी लाइफ चेंज होगी क्या? आप अपने मन में सोच रहे हो और जो जैसा सोच रहे हो वैसा ही आपके साथ में होता जा रहा है। क्या ऐसा देखा है आपने? ये सुनो, ये चीज मैंने सर से सीखी है कि जब आप अपने मन में अपने बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो आपके साथ अच्छा हो कैसे सकता है। तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ में ये इंप्लीमेंट करिए कि मैं अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने मन में अच्छा बोलना शुरू करूंगा। कर सकते हैं? पक्का कर सकते हैं? एक बार जोरदार करना चाहूंगी हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना सर के लिए, जोरदार कर। जब मैं विवेक सर से मिली मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखी, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आपने अपने गोल तो बना लिए लेकिन गोल को इमेजिन ही नहीं किया। आपने कहा मुझे घर चाहिए लेकिन क्या इमेजिन किया कि वो घर कैसा दिखेगा? आपकी मम्मी वो घर देख के कैसा फील करेगी? क्या आपके घर में गार्डन होगा? क्या वहां पे एक झूला होगा? क्या उसमें स्विमिंग पूल होगा? क्या 2 गाड़ियों की पार्किंग होगी? जब आपने अपने ड्रीम को फील ही नहीं किया तो उसके लिए फाइट कैसे कर सकते हो? सबसे पहले अपने ड्रीम को फील करो कि ऐसा होगा। आपको पता है जब मैं प्लान दिखाने जाती थी तो मैं सबसे पहले ये देखती थी कि इसको प्लान दिखाऊंगी ना तो मेरी मम्मी के फेस पे स्माइल आ जाए, इसको प्लान दिखाऊंगी ना इसने ज्वाइन कर लिया ना तो मेरी गाड़ी आ जाए, और मेरी जब गाड़ी मम्मी को बैठाऊंगी इसको ज्वाइन करा लिया ना तो मम्मी को पूरा शहर घुमाऊंगी। अब आप सोचो वो ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? यस और नो? सबसे पहले अपने ड्रीम को विजुअलाइज करना सीखे कि जो आप प्लान कर रहे हो वो कैसा होगा, और जैसा होगा उसको लिखना शुरू कीजिए। ऑटोमेटिक वो आपके मन में भी वही चलने लग जाएगा, आप उसकी जिद खाना शुरू कर देंगे और एक ना एक दिन आपका इनर डायलॉग आपके विजुअलाइजेशन से मैच कर जाएगा और वो रियल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार जोरदार करना चाहूंगी हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर धर्मेंद्र मान सर के लिए। मैंने कहा जोरदार करना। जब मैं सर से पहली बार मेरी बात हुई मुझे याद है कि उन्होंने YouTube चैनल पे मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था और उनकी पूरी फैमिली ने मतलब एक कॉन्वर्सेशन मुझसे की थी। उन्होंने एक हिम्मत बांधी कि तुम लड़की होके बहुत अच्छा कर रही हो और इससे बहुत अच्छा कर सकती हो। एक इंस्पिरेशन मतलब हिम्मत देना, अपनी टीम को हिम्मत देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यस, कई बार अपलाइन की डांट में भी प्यार होता है, ये चीज मैंने धर्मेंद्र मान सर से सीखी है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए। एंड यस, द वन एंड ओनली मिस्टर शिवम गोस्वामी सर, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मोटिवेट किया ही किया, कितनी लाखों महिलाओं को मोटिवेट किया। यस और नो?
बहुत जो मेरे बहुत खास मेरे खास अपलाइन है तरुण कराजा सर के लिए बस जोर से नहीं करूँ तो पैसा आएगा क्या?